तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था जारा। खून हुआ है अभी, जिस कत्ल के गवाह की मौत हुई अभी, तुम्हें पता लोग क्या कहेंगे? उसने मिनोफर के खूनी को देख लिया था, इसलिए उसकी जुबान बंद कर दी गई। जारा, जारा, आपको वार्ड बॉय मिश्रा का खून करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। क्या बोल रहे हैं आप? हमने मिश्रा की जान नहीं ली, हम तो इन सब का फैसला अदालत में हुआ। फिलहाल आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। गिरफ्तार कर लो इन्हें। नहीं अब्बा, अम्मा, आप तो हमें जानते ना, आप किसी की जान कैसे ले सकते हैं? झूठ बोल रहे हैं, हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया। अम्मा, आपको तो हम पे भरोसा है ना, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, हम किसी का खून कैसे? ले चलो ने। अम्मा, छोड़िए हमें। अम्मा, 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 नहीं, नहीं, नहीं। इसका मतलब तुम्हारे अस्पताल में खून हो जाता है और तुम लोगों को भनक भी नहीं लगती। अरे किसी को तो दिखा, वो आते जाते। सर यहाँ तो कई लोग आते जाते हैं। वो खून ही था या मिस्टर इंडिया जो किसी को दिखाई नहीं दिया? अब तो सीसीटीवी फुटेज चेक करना पड़ेगा क्योंकि कैमरे की आंखों से कोई नहीं बच सकता। अली, 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 जो भी करना जल्दी करना। हैकिंग करना इतना आसान नहीं मेरे भाई, पहले फुटेज मिल जान दो। तुम काम करो, हम दरवाजे पे नजर रखते हैं। आ जाओ। आपका सीसीटीवी रूम तो लॉक रहता होगा? नहीं सर, पहले कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन दिन में कोई ना कोई जरूर रहता है वहां पे। फुटेज मिला? हाँ मिला, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजे पे जाओ। मुझे डराना बंद करो। पुलिस आगे, जल्दी निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल। ये रहा हमारा सेटअप, अभी आपको फुटेज निकाल के देता हूँ। क्यों, कहाँ है फुटेज? सिस्टम बराबर चल रहा है, पता नहीं फुटेज कहाँ गायब होगी। लगता है इस फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई। इस फुटेज में ज़ारा तो कहीं नजर नहीं आ रही। रुको 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 रुको, इस औरत की हिम्मत की दाद देनी होगी। एक खून को छुपाने के लिए इसने दो खून किए, वार्ड बॉय और नीलोफर का खून इसी ने किया है, लेकिन अब ये हमारे हाथों से बच नहीं पाएगी। ये तो जारा के खिलाफ साजिश लगती है। वो फुटेज पांडे को मिल गई।
मगर इमरान हमने तो तुम्हें और अली को वहाँ भेजा था फुटेज के लिए, उन्हें कैसे मिल गई? इससे पहले मैं उस फुटेज को डिलीट करते वो पांडे वहाँ पहुँच गया। अभी सबसे पहले इंस्पेक्टर पांडे जारा क्या जाएगा, अब उससे पहले कि वो वहाँ पहुँचे हमें वहाँ पहुँचना होगा। कबीर एक और बात, हाँ उस फुटेज में सिर्फ जारा है, आगे पीछे की सारी फुटेज गायब है। हम कह रहे तुमसे ये सब फंसाने की साजिश है जारा को, खेल खेल रहा कोई। चलो रात आपकी बेटी जारा सिद्दीकी कहां थी? आखिर बात क्या है? जो वार्ड बॉय आपकी बेटी के खिलाफ गवाही देने वाला था कल रात उसका खून हो गया है। ये तो बहुत बुरी खबर है, हमें अफसोस है इस बात का। फिलहाल आप ये बताइए कल रात आपकी बेटी कहां थी? मगर आप हमारी बेटी जारा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उस अस्पताल में जो कुछ भी हुआ क्या उसके लिए आप हमारी बेटी को जिम्मेदार ठहराएंगे? अरे आप जाकर कातिल की छानबीन कीजिए, उसकी तहकीकात कीजिए। कल रात अस्पताल में रिकॉर्ड हुई सीसीटीवी फुटेज में आपकी बेटी जारा सिद्दीकी साफ नजर आ रही है। वो वीडियो फुटेज झूठी है। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो फुटेज में जारा के अलावा आपको कोई और नजर नहीं आएगा। वीडियो में कौन नजर आ रहा है कौन नजर नहीं आ रहा है इन सब बातों का आपको कैसे पता चला? कबीर साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने? इंस्पेक्टर पांडे छेड़छाड़ कहने वाले थे? जी हाँ, क्योंकि अगर हमें छेड़छाड़ करनी थी तो जारा की फुटेज हम सबसे पहले डिलीट करते हैं ना। मगर जारा की फुटेज वहीं, बेवजह शक करके कोई फायदा नहीं। मुद्दे की बात पे आइए, सिर्फ जारा के अलावा और कोई है उसमें? नहीं, क्योंकि मशीन में गड़बड़ होने के कारण आगे की फुटेज करप्ट हो गई। जरा गौर कीजिए कि आपको सिर्फ जारा नजर आ रही है और बाकी और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एक शातिर इंसान ने जारा को फंसाने की साजिश की है। हमें नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास एक और फुटेज है जिसमें एक औरत बुर्का पहने हुए नजर आ रही है। इंस्पेक्टर पांडे, हम आपको बाहर लेकर दिखाते हैं कितनी और औरतें बुर्का पहनती हैं, सिर्फ जारा बुर्का नहीं पहनती। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप वो फिंगरप्रिंट्स को कैसे झुटलाएंगे जो हमें अस्पताल से मिले? नहीं नहीं, हम उसे झुटलाएंगे नहीं, वो सच है, वो बिल्कुल सच है, मगर वो साजिश का हिस्सा है, हम वही कह रहे हैं। जारा के उंगलियों के निशान वहां प्लांट किए गए। जनाब एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, हम आपके ये शब्दों के जाल में नहीं फंसने वाले। ये जाल नहीं है इंस्पेक्टर पांडे, अगर आप मसले के तह तक नहीं पहुंच सकते तो हमें बता दीजिए, हम पहुंचकर आपको दिखाएंगे और ये साबित करके दिखाएंगे कि जारा कसूरवार नहीं है। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है जनाब, हम पहले ही काफी इंक्वायरी कर चुके हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई है तो आप हमें बताइए। नहीं है कोई जवाब आपके पास? अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको सच खुद ब खुद मिल जाएगा। कार्रवाई तो हम शुरू कर चुके हैं और सच भी सामने आ चुका है, बस साबित होना बाकी है। जारा तुम अस्पताल गई थी कल? जी अम्मा, हम अपनी बेगुनाही का सबूत जुटाने गए थे वहां पर। या अल्लाह, और आप इसमें जारा की मदद कर रहे थे, ये अचानक आप जारा की तरफदारी क्यों करने लगे? क्योंकि काजी साहब वो बेगुनाह है और हम इस बात पर यकीन करते हैं, इसलिए। कबीर मियां, अगर आपको इतनी ही परवाह है जारा की तो फिर आपने उसे तलाक क्यों दी? हमारे पास कोई जवाब नहीं है फिलहाल अम्मी, हमें माफ कीजिएगा। पता नहीं आप चाहते क्या है कबीर मियां। खैर, अल्लाह आपको कामयाबी बख्शे, वरना हमारी बेटी की जिंदगी तो उजड़ के रह जाएगी। बस क्या आपको सच में लगता है कि हमारी बेटी जारा के साथ कोई साजिश कर रहा है?
बेशक काजी साहब। संभाल कर रहिएगा कबीर मियां, इसमें आपका सामना हाशिम मियां जैसे ताकतवर इंसान से भी हो सकता है। जारा की जान बचाने के लिए हम किसी का भी सामना कर सकते हैं, बस आपकी दुआ चाहिए हमें। कुछ जरूरी काम है, हमें इजाजत चाहते हैं आपसे। क्या वक्त आ चुका है ना जारा, हम दोनों का साथ में दिखना भी हजाब हो गया। खैर, हमें उम्मीद है तुम अपना ख्याल रखोगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हो क्या रहा है और कौन करवा रहा है ये सब? अरे हमारी बेटी का तो लेना देना नहीं है किसी से, और फिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है? अरे आप समझाते क्यों नहीं है इसे? अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान देगी तो ये सारे मसले वहीं खत्म हो जाएंगे। बेटा जारा, आपको बहुत संभल के रहने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि बेगुनाह होते हुए भी आप गुनाहगार साबित हो जाओ। आपने उसे जाने क्यों दिया काजी साहब? अरे आप उसे डांटते क्यों नहीं है? इस वक्त हमारी बेटी जारा को डांट की नहीं, हौसले की जरूरत है। हमें अपनी बेटी जारा पर पूरा भरोसा है, वो इन सब हालातों से निकल जाएगी। आज तक वो दूसरों के लिए लड़ती आई है, अब उसे खुद के लिए लड़ना है। अल्लाह सब ठीक करेंगे। आमीन। सुमामी। मुजरिम चाहे जितना शातिर भी होना, हम जानते हैं वो एक ना एक सबूत जरूर छोड़ता है अपने जुर्म का। लेकिन ये मुजरिम ना बहुत ही ज्यादा शातिर निकला, इसने अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। इंसान ना गलतियों का पुलिंदा होता है, ऐसा तो भी हो सकता है कि एक बहुत अहम सबूत हमारे सामने हो, एक बहुत बड़ा सबूत, मगर हमें इस वक्त नहीं दिख रहा। जरा एक काम करो, तुम हम सबको एक बार बताओ कि उस रात हुआ क्या था। कबीर, हम उस वार्ड बॉय के पीछे भाग रहे थे। हम जब उसके पीछे भाग रहे थे तो वो जाकर एक स्टोर रूम में छुप गया। हम जब स्टोर रूम में गए तो हमने उसे एक कोने में से खड़े हुए पाया। हम जैसे ही उससे कुछ बोलने गए, किसी ने उसे हमारे ऊपर फेंक दिया। एक बुर्के, कबीर, एक बुर्के वाली औरत ने उस वार्ड बॉय की लाश हमारे ऊपर फेंकी थी। बुर्के वाली के जरिए हम साबित कर सकते कि जारा बेकसूर है। हमें उसे कैसे भी कुछ भी करके ढूंढना होगा, बताओ हमें। हम इतने ज्यादा डरे हुए थे कि हमने उसकी शक्ल ही नहीं देखी। हमें नहीं पता कि वो बुर्के वाली कौन थी, हमें बस एक झलक की याद है। नहीं, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। गौर करो, ध्यान दो और हमें बताओ उसके बारे में कुछ तो बताओ। जरा कुछ तो होगा जो तुम्हें याद रहा होगा, वो कैसे चल रही थी, वो कैसे बोल रही थी, उसके जरिए हम साबित कर सकते कि तुम बेकसूर हो। हमें सोच कर बताओ जरा, चलो। कबीर, उस बुर्के वाली ने अब उसने जब हमें धक्का मारा था तब हमें महसूस हुआ कि वो किसी औरत का हाथ नहीं था, वो किसी आदमी का हाथ था। हाँ, वो कोई औरत नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा मतलब है नीलोफर का कत्ल और वार्ड बॉय का कत्ल किसी आदमी ने किया और वो बुर्का पहन कर आया था? हाँ कबीर। कबीर, कहीं हमारे अब्बा का कोई दुश्मन तो नहीं? मगर जारा, वो तुम्हारा भी दुश्मन हो सकता है ना। यानी कि हम दोनों का दुश्मन? जरा, हम दोनों को जो अलग करना चाहता है ना, हम दोनों का दुश्मन है। कबीर, हाशिम मियां। यानी हाशिम मियां? तुम लोग बिल्कुल सही जा रहे हो कबीर। याद करो ईद की दावत वाले दिन कैसे वो जारा पर तंज कस रहा था। इस्लाम की हिमायत मुसलमान करते हैं, जो नहीं करते उस जहर घोलते। अली, लैपटॉप निकालो, जल्दी जल्दी लेकर आओ। वहाँ शमिया की तस्वीर निकालो जल्दी से। एक मिनट, शायद हमें पता है उन्होंने ऐसा क्यों किया। जारा ने औरतों का पक्ष लेके उनको नाराज किया है, शायद इस वजह से वो जारा से बदला ले रहे हो। हो सकता है कबीर, हाशिम मियां ऐसा कर सकते हैं। हमने उनके बारे में कई किस्से सुने, वो अच्छे इंसान नहीं है। कबीर, ये है? हाँ हाँ, यही है यही है। कबीर। जरा क्या हुआ? कबीर, गौर से इस तस्वीर को देखो। हाशिम मियां के पीछे जो आदमी खड़ा है, ये वो ही है जो उस दिन जिन लोगों ने हम पे हमला किया था ना, उस दिन यही आदमी सबसे पीछे खड़ा हुआ था, हमें अच्छे से याद है। तुम जानती हो ना, ये हाशिमिया का दायना हाथ जफर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बुर्के के पीछे ये था। हो सकता है। तो फिर ठीक है, हमें सिर्फ इतना साबित करना होगा कि जफर बुर्का पहन कर आया था, फिर जारा को बेकसूर साबित करना आसान हो जाएगा। और हमारे पास 6 दिन है ये साबित करने के लिए। कबीर,
छह दिन में हम साबित कर देंगे कि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। यही है क्या? हाँ यही है। फोटो अच्छे से खींचना, क्लियर आना चाहिए एकदम। ऐसी फोटो लेते ना अगर तिल भी हो ना चेहरे पे, वो भी साफ साफ दिखेगा एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर। ये पागल आदमी कहाँ जा रहे हो? शांत रह, शांत रह। अरे यार ये आदमी मरवाए का, अभी कलाकारी दिखाने का समय नहीं है। पैर टूट गया हमारा। हमें फोटोज तो मिल गए लेकिन चलो चलते। ये जनाब का नाम है हाशिम मियां। ये वो इंसान है जो कुरान करीम में लिखी हुई बातों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के नौजवानों को पेश करते और उन्हें बहकाने का काम करते। और ये जो आगे इनका नाम है जफर, ये है उसका दाहिना हाथ। एक काम करो अली, इसके फोटोज निकालो, सबको दो। देखो जहां तक हम जानते हैं हमें पूरा शक जफर पर है। अस्पताल बुरखा पहनकर वही आया था। वार्ड बॉय का कत्ल भी जफर ने किया था, हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं। कबीर लेकिन ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये छोटी छोटी सी बातों पर इंसानों का कत्ल कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि हम ये साबित कैसे करेंगे कि जिसने बुरखा पहना था वो जफर ही था। पता लगाने के लिए हमें जफर को दोबारा बुरखा पहनाना पड़ेगा। इससे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हॉस्पिटल में जफर ही था या कोई और। मगर इतना आसान नहीं होगा। हाँ ये मुश्किल है कबीर लेकिन नामुमकिन नहीं। हाँ इसके लिए ये साबित करना होगा कि जारा के खिलाफ जो साजिश थी वो नाकाम हुई। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ ऐसे ही हालात पैदा करने होंगे जहाँ पर जफर मजबूर हो जाए एक बार फिर बुरखा पहनने के लिए। बिल्कुल सही कहा। ठीक है हम दोनों ने। क्या हुआ? प्यार हुआ। अब जारा का वीडियो प्ले करो। अब उस रात का वीडियो प्ले करो जिस रात वार्ड बॉय का खून हुआ था। एक मिनट पॉज कीजिए, एक बार फिर से प्ले कीजिए। अब वो वाला वीडियो एक बार फिर से प्ले करो। ये बुरखे वाली और ये जारा सिद्दीकी तो सेम है। एक बार दोनों वीडियो एक साथ प्ले करो, दोनों की चाल में कितना फर्क है। इसका मतलब ये बुरके वाली औरत जारा सिद्दीकी नहीं है, तो फिर कौन है? जिस रात नीलूफर का खून हुआ जारा हॉस्पिटल में नहीं थी, और जिस रात वार्ड बॉय का खून हुआ जारा हॉस्पिटल में थी। अगर जारा हॉस्पिटल में नहीं थी तो नीलूफर को जिस बॉटल से जहर दिया गया उस बॉटल पर जारा की उंगलियों के निशान कैसे आए? और ये औरत कहाँ से पैदा हो गई? आई थिंक इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, और ये छेड़छाड़ किसी और ने नहीं बल्कि कबीर अहमद ने की होगी, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता है कि जारा को फंसाने की साजिश की जा रही है। नहीं कबीर, बिल्कुल नहीं। मगर नहीं। किसी को तो जोखिम उठाना पड़ेगा ना। नहीं। एक बात बताओ, इसके अलावा और कोई रास्ता है हमारे पास? अल्लाह पर यकीन करो हमारा प्लान कामयाब होगा। एक बार प्लान तो सुन लो, उसके बाद बताना कि सही है या गलत है। ठीक है, सबसे पहले हम सब साथ में मिलकर जफर को पकड़ेंगे, रंगे हाथों दबोच लेंगे। ये हमारा प्लान।